सफाई करने वाले कर्मचारियों के लिए आज न्यू जयपुर ट्रेन का कार्यक्रम सफल। वैसे तो दिल्ली के अंदर अब मोस्टली काम मशीनों से करने के लिए बड़ी मात्रा में दिल्ली जल बोर्ड ने मशीनें एक्वायर की है, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह एक तो जैसे जो प्राइवेट लोग अपने घरों का या सेप्टिक टैंक की सफाई करवाते हैं वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को बुला के सीवर के कर्मचारी के नीचे उतार देते हैं। उसके अलावा भी बहुत कम अब ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे सीवर के कर्मचारियों को नीचे उतरने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में उनको अपना सेफ्टी किट पहन के नीचे उतरना चाहिए और उनको क्या क्या उसमें सेफ्टी मेजर्स अपनाने हैं उसकी आज सबको सबकी ट्रेनिंग की जा रही है। मुझे बेहद खुशी है कि पूरे दिन की ट्रेनिंग के बाद लोगों को फायदा होगा और ट्रेनिंग केवल दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों की नहीं सभी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के कर्मचारियों को भी की जा रही है। और दिल्ली जल बोर्ड ने निर्णय लिया है कि इन सभी लोगों को सरकार की तरफ से एक एक सेफ्टी किट फ्री में दी जाएगी ताकि कोई भी कर्मचारी अब चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो कोई भी कर्मचारी अब बिना सेफ्टी किट के नीचे ना उतरे। हमारा मकसद है कि दिल्ली के अंदर एक भी अब सीवर की वजह से किसी की भी मौत नहीं होनी चाहिए। आपने ये कहा कि ट्रेनिंग के दौरान यही बताया गया है इस तरह से लॉक होना चाहिए, अगर वहाँ अधिकारी भी मौजूद होंगे आपको हमेशा होती है जवाबदेही पे फायर होती है क्रिमिनल केस रजिस्टर किए जाते हैं। अभी तक जितने भी केसेस हुए हर केस में रजिस्टर किया गया, लेकिन मैं फिर से ये बता दूं कि दिल्ली जल बोर्ड अब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दिल्ली जल बोर्ड से कर्मचारियों को नीचे उतारा। आपको याद होगा जब हमने अभी कुछ दिन पहले 200 मशीनें एक्वायर की हैं सीवर की, जिसकी वजह से दिल्ली जल बोर्ड अपनी सारी सफाई सीवर की मशीनों से करवा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट ठेकेदार जो हैं जो कच्ची कॉलोनियों के अंदर जहाँ पे अभी भी सीवर की पाइपलाइन नहीं है वहाँ पे सेप्टिक टैंक सभी इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोग सीवर कर्मचारियों को उठा के करवाते हैं। तो हम नहीं चाहते, हर जान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हर व्यक्ति हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे प्राइवेट ठेकेदार हो चाहे दिल्ली जल बोर्ड हो, किसी भी वजह से किसी की भी मौत नहीं होनी चाहिए। कानून तो ऑलरेडी है जो नहीं, जैसा मैंने कहा कि सख्ती तो है, जब भी कोई मौत होती है तुरंत FIR दर्ज की जाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बुरा है। तो हमारा दोनों है, प्रिवेंटिव भी है कि भाई हो ही ना मौत, और अगर मौत हो गई तो सख्ती भी हो, दोनों चीजें करने का। ये बड़े दुख की बात है, पिछले कुछ दिनों में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं आग के, तो फायर डिपार्टमेंट को हम डायरेक्शन देंगे कि वो सख्ती के साथ एक बार फिर से इसके ऊपर गौर करें और पूरे दिल्ली के अंदर जो भी कदम उठाने की जरूरत है सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत है। अगर एक पूरा रिव्यू करने की जरूरत है पूरे दिल्ली के अंदर तो मुझे